हाँ जी, तो रिंग काउंटर का ट्रुथ टेबल डिस्कस करने लगे हम। तो ट्रुथ टेबल में ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने ओवरराइडिंग इनपुट की वैल्यू लो ली है यहाँ पर, ठीक है। लो का मतलब क्या है कि मैंने इसको कहाँ पर कनेक्ट करवा दिया, प्रीसेट के साथ, ठीक है। और बाकी जी, लो का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी वैल्यू लो तो दैट इज जीरो, तो ये जीरो यहाँ जा रहा है, क्लियर को जीरो जा रहा है, जीरो जा रहा है, जीरो जा रहा है, मतलब बाकी नहीं चलेंगे, अभी सिर्फ कौन सा चलेगा, ये वाला चलेगा। क्लियर का मतलब क्यू उसकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब भी आपका ओवरराइडिंग इनपुट जीरो होगा तो आपको क्लॉक की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्लॉक चाहे जो मर्जी हो, अगर ओवरराइडिंग इनपुट प्री सेट जो है वो जीरो आ जाती है, तो क्यू की वैल्यू हमेशा हमेशा क्या आने वाली है आपकी, वन ही आएगी, चाहे जो भी वैल्यू हो क्लॉक की, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखना, जैसे यहाँ जीरो आया, इस प्री सेट के पास क्या चला गया, जीरो, ठीक है। अब ध्यान से सर्कल को देखना, कैसे ये रिंग बनेगी, जब भी प्रीसेट जीरो होगा तो क्यू की आउटपुट क्या आएगी, वन, और ये जो आउटपुट है, वन जो आउटपुट है वो किसकी आउटपुट बन जाएगी, क्यू जीरो की, और इनपुट किसकी बन जाएगी, किसकी इनपुट बनेगी, दिस फ्लिप फ्लॉप की। लेकिन इसको तो हमने क्लियर लगा दिया, और जिसको भी हमने क्लियर लगा दिया वो क्या बन जाएगा, जीरो जीरो जीरो, ठीक है। तो यहां पर क्या बन गया मेरे पास, ये जीरो जीरो और जीरो। दैट मीन्स जब भी मेरी ओवरराइडिंग इनपुट लो होएगी और क्लॉक के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, क्यू जीरो मेरा सिर्फ क्या होगा, वन, क्योंकि क्यों, क्योंकि प्रीसेट जीरो है, तो क्यू जीरो क्या हो जाएगा, वन, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, जीरो जीरो जीरो। अब देखने वाली बात यह कि रिंग बनी हुई है, क्योंकि ये जो क्यू थ्री की वैल्यू जीरो है, अब कहाँ जा रही है, डी जीरो के पास। तो डिले फ्लिप फ्लॉप का तो तुम्हें पता ही है, डिले फ्लिप फ्लॉप को हम जो भी इनपुट देंगे, अब इसकी इनपुट क्या बन चुकी है, जीरो, क्योंकि क्यू थ्री से क्या आया यहाँ पर, जीरो, जो भी इनपुट है वही क्या बन जाएगी, आउटपुट। अभी नेक्स्ट टाइम जब मेरी क्लॉक वर्क करना शुरू होगी, तो ये वन किसकी इनपुट बन जाएगा, इसकी, डी वन की। तो ये डी जीरो की इनपुट क्या होगी, जीरो, तो आउटपुट भी क्या आ जाएगी, जीरो। डी वन की इनपुट क्या बन गई, वन, तो आउटपुट भी क्या आ जाएगी, वन। डी टू की इनपुट जो है वो क्या बन चुकी है यहाँ पर, जीरो, और क्या बन जाएगी यहाँ पर, जीरो, और हेयर ऑल्सो वी आर हैविंग जीरो, एंड यहाँ पर भी क्या हो जाता है मेरे पास, जीरो, क्योंकि पीछे से इनपुट ने आगे की तरफ मूव होना है, फाइन। तो यहां पर क्या होता जाएगा, वो आउटपुट उस समय मेरे पास आती जाएगी, और इनपुट्स ऑलरेडी जा चुकी हैं, पिछली वाली, पिछली वाली का ध्यान रखना है, कहना कि मैम वन यहाँ आ गया तो इसको क्यों नहीं दे रहे वन, उसको पहले ही जीरो जा चुका है पुराने वाला, ठीक है। तो इसकी इनपुट क्या बन गई, पुरानी वाली वन, इसकी क्या थी, जीरो, इसकी क्या थी, जीरो, तो इसकी आउटपुट क्या आ गई, वन, इसकी क्या आ गई, जीरो, इसकी क्या आ गई, जीरो। तो नेक्स्ट स्टेट में क्या हो गया, इस तरह से क्यू जीरो क्या हो गया, जीरो, ये क्या हो गया, वन, ये क्या हो गया, जीरो, ये क्या हो गया, जीरो। अब ये जीरो फिर से आगे किसके साथ कनेक्ट हो गया, अगले वाले के साथ, फिर से जीरो आया तो आउटपुट क्या आएगी, जीरो, यहां पर भी जीरो आया तो आउटपुट क्या आएगी, जीरो, यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, अब वन, ठीक है, क्योंकि आपका वन ट्रैवल करते हुए पूरा पिछली बार कहाँ आया था, यहां पर आया था, अब अगली बार कहाँ आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा। तो ये इसकी आउटपुट क्या हो जाएगी आपकी, वन, और यहाँ क्या रह जाएगा, जीरो। फिर से अगली बार आएगा तो ये वन आपका यहां से यहां से यहां से ट्रैवल करते हुए कहाँ आ जाएगा, एट लास्ट क्यू थ्री पर। देखो ध्यान से, जीरो वन जीरो जीरो, जीरो जीरो वन जीरो, जीरो 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 वन, जीरो 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 वन आ गया। अब ये जो वन है, अगर लास्ट में, जब लास्ट स्टेट में यहाँ वन आ जाएगा, तो ये वन फिर से ट्रैवल करके यहाँ चला जाएगा, और फिर से आउटपुट आनी शुरू हो जाएगी, वन जीरो जीरो जीरो। तो देखो ध्यान से कि आपकी क्लॉक भी यहाँ पर आपका ट्रुथ टेबल शो करवा रहा है आपको, कि ये वन जो है आपका किस तरह से ट्रैवल कर रहा है, एज अ रिंग ट्रैवल कर रहा है, इस तरह से ये घूमता ही जाएगा, कि इस तरह से ये काउंटिंग परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये काउंट्स आपकी कितनी है, वन टू थ्री फोर, और लास्ट में देखो ये वापस उसी काउंट पे आ गया जहां से इसने शुरू किया था, वन ट्रिपल जीरो वन ट्रिपल जीरो। तो दैट मीन्स अगर चार फ्लिप फ्लॉप अगर लगाए तो काउंटिंग भी कितनी बार हुई, चार बार ही काउंटिंग हुई, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, बस यहाँ डिले फ्लिप फ्लॉप यूज हुआ है, तो डिले फ्लिप फ्लॉप को जीरो दो तो जीरो आउटपुट आती है, वन दो तो वन आउटपुट आती है, जीरो दो तो जीरो आउटपुट आती है, वन दो तो वन आउटपुट आती है, तो इस चीज का ध्यान रखना। सिमिलरली साथ में इसके क्लॉक सर्किट के बारे में भी, नेगेटिव फॉलिंग एज पे तुम्हें पता है कि काउंटर्स वर्क करते हैं, और एक बार सिर्फ मैंने ओवरराइडिंग इनपुट लो यूज करनी है। जब भी ओवरराइडिंग इनपुट लो होगी, सिर्फ एक क्यू जीरो है जो वन होएगा, बाकी सारे क्या होंगे आपके, जीरो। और क्यू वन आपका कब हाई होएगा, फर्स्ट नेगेटिव एज के ऊपर यहाँ पर। क्यू टू आपका हाई कब होएगा, इस नेगेटिव एज के ऊपर। ये वाला कब होएगा, इस नेगेटिव एज के ऊपर। और ये वाला नेगेटिव एज के ऊपर
लास्ट नेगेटिव एज के ऊपर दोबारा से यही चीजें परफॉर्म होनी शुरू हो जाएंगी. तो यू कैन गो थ्रू दिस क्लॉक साइकिल डायग्राम फ्रॉम ए बुक ऑल्सो. तो इस तरह से ये आपको एक रिंग की फॉर्मेट में नजर आएगा, रिंग काउंटर. ठीक है, होपफुली आप अच्छी तरह से इसको समझेंगे. कोई भी प्रॉब्लम हो आपको किसी को भी, तो आप जो है ऑडियो मैसेज के थ्रू उसको ग्रुप में डाल सकते हो. ठीक है, और इसी तरह से सिमिलरली बिल्कुल सेम हम लोगों ने जॉनसन काउंटर करना है. तो बी क्लियर विद योर रिंग काउंटर. जस्ट डिले फ्लिप फ्लॉप है और जीरो इनपुट है तो जीरो, वन है तो वन. तो ये वन जो है आपका सबसे पहला वाला वन, क्योंकि ओवरराइडिंग इनपुट आपने प्रीसेट को जीरो दी थी, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई थी, वन. ये वन ही है आपका जो आगे की आगे ट्रैवल करता जाएगा और काउंटिंग्स परफॉर्म करेगा. बस इतनी सी बात. ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग जॉनसन काउंटर करेंगे. इसके बारे में किसी को प्रॉब्लम हो तो वो ऑडियो मैसेज सेंड कर सकते हैं. थैंक यू.